सर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे, हाँ दरवाजा लगा दीजिए, कुछ भी आओ सर, मैम सेंटर में निका सर आप एक स्टेप पीछे जाइए ना, सर देखिए सामने देखिए, रवि जी कैसे सर? ब्राउन ब्रेड वाला भी, ब्राउन ब्रेड वाला, सोलो 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 कर देते हैं, एक सोलो सोलो, मैडम थोड़ा पीछे जाइए, मैडम थोड़ा पीछे जाइए, मैडम थोड़ा पीछे जाइए, कोई आगे नहीं जाएगा, मैंने बोला आपको पहले रवि जी हेलो, आपने जवाब नहीं दिया, मैम यहाँ पे मैंने बोला रवि जी सेक्टर से एकदम सेंटर, मैम थोड़ा ऊपर लक्ष्मी की, अभी राइट में सेंटर 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 वेल मैम यही बोलना चाहूँगा, आजकल रिमिक्स बिल्कुल ही बंद हो गए और हमने सोचा हमें रिमिक्स भी बनाना चाहिए, पहले एक ट्रेंड होता था कि एक गाने का रिमिक्स आता था, आजकल गाना लोग दो हफ्ते में भूल जाते हैं तो इसलिए लोग रिमिक्स बनाते नहीं है कि चलो यार बेटा कम कर छेड़ मत, एक बार छेड़ ठीक है, एक और कम कर थोड़ा सा, आवाज़ बहुत सही आ रही है बस, और कम कर दो, और कम कर दो, हेलो हेलो ठीक, हेलो हेलो ओके बहुत है, हाँ जी भाई सॉरी। सो आजकल पहले ट्रेंड होता था कि हर गाने का रिमिक्स बनता था और अभी सारे गाने हिट हो जाते हैं और बहुत सुपरहिट होते हैं और दो हफ्ते में लोग गाना भूल भी जाते हैं, तो मे बी इसलिए लोग आजकल रिमिक्स नहीं निकाल रहे, तो हमने पहले इसका स्लो वर्जन निकाला था और एक्चुअली हम रिमिक्स पहले शूट कर चुके थे, मैं लक्ष्मी क्षमा आ जा ही नहीं है बिकॉज सच में क्षमा को क्या हुआ, क्षमा को आप बता सकते हो क्या पता ये बात हिट हो जाए, नहीं आप बताओ, आपने मुझे बताया क्षमा सिकंदर एंड ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं और ये डीजे स्मिथ सेठी, तो ये एक्चुअली में रिमिक्स हमने पहले शूट किया था और उसके बाद हमने वो स्लो वर्जन शूट किया था, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू आपका भी सभी फैंस का, एंड एक फैन ने तो कमाल ही कर दी, उसका मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसने हमारा सबका दिल जीत लिया एंड वो लक्ष्मी को भी बहुत प्यार कर दिए, वो उसके हाँ उस लड़की के हाथ नहीं है पर फिर भी उसने यू नो इतना खुशी खुशी से मेरा पेंटिंग भी करा है और उन्होंने रील्स भी बनाया, मैंने उनको और वो हुक स्टेप भी किया हमारा और हुक स्टेप भी किया, मैंने उनको इंस्टा पे ही देखा था एंड बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो जहाँ सारी दुनिया इन्जॉय कर रही है वहाँ पे एक ऐसी ऐसी क्यूट फैन ने भी डांस किया है और इन्जॉय करा है, उनका नाम क्या है, स्वप्निका, स्वप्निका अलग जी, हाँ एक बार मैं चाहूँगा प्लीज़ आप देखें और ये गाने से अलग है, ये कोई प्रमोशन का प्लान नहीं हमारा बट मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, मुझे लक्ष्मी की फ़ोटो दिखाई कि उसने बनाई हुई है, आई थिंक वो हैदराबाद से, हैदराबाद से वो मेरी पेंटिंग भी बना चुकी थी, शी इज़ अ बिग फैन ऑफ माइन, तो वो देख के मजनू गाना देखा एंड शी लव्ड मिका एंड एवरीबॉडी, तो उसने मैंने उनको इंस्टा पे देखा, एक्चुअली मैंने एक्चुअली इन्हीं से उनका गूगल पे आई थिंक उसके बाद अकाउंट नहीं है लेकिन गूगल पे ही है, तो उसके थ्रू हमने थोड़ा सा उनको एक जेस्टर एक टोकन ऑफ लव दिया है, इट्स नॉट लाइक मनी बट मैं पेंटिंग मुझे बाद में पता चली, मुझे लगा वो इतना अच्छा डांस कर रही है और आज की डेट में हमारे पास सब कुछ होता है बट वी आर नॉट हैप्पी, हम सभी लोनली हैं और कहीं ना कहीं हम घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, काम के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और जबकि सही सलामत हमें भगवान ने सब कुछ दिया, हाथ भी दिए हैं,
आंखें दी हैं, आप उनको देखो कि वो इतना इन्जॉय कर रही थी वो गाने के ऊपर। फिर मैंने उसको नंबर ढूंढ के मैंने उसको कॉल किया, वीडियो कॉल किया, फिर बाद में पता चला कि वो बहुत अच्छी पेंटर है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए सच में। जैसे मैंने बताया कि मजनू हमारा गाना अगेन शारिफ तोशी ने कंपोज करा था, और हमें लगा था ये गाना जब मूवी में आ जाएगा तो हमें रिमिक्स करने की जरूरत, रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा गाना रिमिक्स ही निकालेंगे। हम सारे एक्साइटेड हुए, और लक्ष्मी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सोलो गाना करूँगा, सेम मैंने शमा को बोला था कि गाना सोलो करेंगे हम। और पर टाइम हमारा इतना कम था कि वहाँ पे जाके स्मिथ जी को मैंने बोला कि हमने गाना शूट करना है। शूट से पहले हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि हम बहुत ज़्यादा हम लड़ पड़े, मैं शमा और लक्ष्मी, इतना कि इन्होंने बोला गो टू हेल, मैं कहा यू गो टू हेल। इन्होंने बोला हमें काम नहीं करना, मैं मुझे नहीं तुम्हारे साथ काम करना, तुम भाड़ में जाओ। और हेलो सर कैसे हैं सर, तो इतना कुछ खास नहीं था, छोटी सी बात पे पता नहीं क्या पंगा पड़ा हमारा, और एक घंटा लड़ते रहे हमने शूट ही कैंसिल कर दिया। इनको मैंने बोला कि कल तो मैं ना मनाऊँगा ना मुझे करना है। और हमारा एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर बाला जो वेंकी चिकन से है, उन्होंने वैसे मुझे कॉल किया कि क्या हाल है तुम्हारा। मैं क्या बस मुझे पता है तुमने कॉल, आपने क्यों कॉल किया और मुझे आपसे बात नहीं करनी, और आप मुझे ये मत बोलना कि इनके साथ वीडियो करना, मुझे नहीं करना इनके साथ वीडियो। वो तो किसकी बात, उसने वैसे बेचारे ने कॉल किया, और मुझे लगा शायद लक्ष्मी ने उसको बता दिया कि हमारी लड़ाई हुई है। फिर उसने लक्ष्मी को कॉल करी, उसने सेम जवाब दिया कि तुम जो तरफदारी कर रहे हो हम नहीं कर रहे। मुझे लगा मिका ने बताया। करते करते फिर उन्होंने बोला, हम दोनों को मनाया, और वीडियो में हम ऐसे लग रहे जैसे हम यू नो कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड। मैं अक्सर इनकी बिल्डिंग में जाके कभी कभी जिम करता रहता हूँ, तो वहाँ से मेरा आइडिया था कि एक वीडियो ऐसा हो जहाँ पे ऐसा ना हो कि गन्स गर्ल्स गून्स, ज़्यादातर यही चल रहा है हर वीडियो में। मैं कहा एक फ्रेंडशिप वाला वीडियो होना चाहिए, देर इज़ नो फ्लर्टिंग नथिंग, चार फ्रेंड्स गए हैं जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, लोग इन्जॉय करने जाते हैं। तो मैंने इनको बोला यार माल्टा चलना है, वहाँ जाके शूट करेंगे, हॉलीडेज भी हो जाएंगी। तो लक्ष्मी ने यस करी, देन शमा ने यस करी, देन स्मित भी हमें हमारे साथ जुड़ गए, तो ऐसा ही हमारा वीडियो बना। नाउ लक्ष्मी See, like he said, the beginning was very bitter. It was very unexpected actually. बहुत छोटी चीज़ यहाँ से beginning अच्छी थी, वहाँ जाके bitter. हाँ वहाँ मतलब वो वहाँ का बात कर रही हूँ। So जैसे हम पहुँचे तो it was a very unexpected argument से थोड़ा fight हो गया। It was just, it started as an argument. उसके बाद ऐसे हो जाता है ना, and especially with good friends, you take the liberty of expressing it more. तो मिका के साथ मैं नहीं करूँगी, मैं यहाँ से चले जाऊँगी मिलान, तुम करो अपना गाना एंड ऑल, वो बोलते ना तुम जा, मैं भी नहीं करूँगा। सो वी वर इन अ टिफ। सो थैंक्स, वी आर ग्लैड दैट वी हैव मोर फ्रेंड्स हु एक्चुअली क्लियर्ड आउट द डिफरेंसेस, एंड हम लोग बाद में वी डिडंट कीप इट अप फॉर दैट लॉन्ग। तो बाद में दूसरे दिन हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया, एंड वी वर सो हैप्पी एंड सो फास्ट वी फिनिश दिस सॉन्ग, एंड इट वॉज अ वेरी गुड सॉन्ग। एंड व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने बोला मिका वी आई एम डूइंग दिस, इट्स अ ग्रेट रिमिक्स। And more so over, ये जो remix है, it's like a very club song. You know, people will enjoy this in a club. And there are very few songs now which have been played. Even the slow songs have been remixed into a fast song. So it was a good idea that he remixed this song, क्योंकि इसका slow version भी है and he's remixed this. So it was a very nice one. Like you said, कि दो गाना हम लोगों ने plan किया था, time नहीं बना, and then we came back and we will shoot that in future. But it was a lovely experience. हम लोगों ने माल्टा में, that was my first time to Malta, so beautiful locations, the way it was shot by Sumit and by the director, and the entire thing was so fast, and we didn't realize कि हम लोग shoot पे आए हैं. We just went there as you know three good friends, and we shot like a friendship song. And then अब जाके release हुआ है, and I'm happy the output, the way it's come. So thanks to him. Thank you. और हमारे साथ director हैं सुमित जी, ये पंजाब में इन्होंने more than 2000 videos बनाए हैं सुमित भारद्वाज ने, जिनमें से हनी सिंह का सुपर हिट गाना था अंग्रेजी बीट, तो which is shot by him. तो हम बहुत सालों से जानते हैं, he's very talented. और वन मैन आर्मी आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर जब हम वीडियो में अब ताम जाम देखते हैं उसमें 100 लोग काम कर रहे होते हैं, मैं
दावे से कहता हूँ, ड्रोन से लेके कैमरा से लेके ही वॉज द ओनली वन जिसने अकेले ने सारा शूट करा है। बिकॉज माल्टा में ज़्यादा परमिशन की हमारी प्रॉब्लम होती है तो बहुत कम टाइम होता है हमारे को शूट करने के लिए, बट ही इज़ सुपर टैलेंटेड कि एक ही बंदे ने सारा गाना शूट कर दिया। जब मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ काम करना तो खुद भी मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ता है। जैसे यू ऑल नो पाजी सब कुछ प्ले कर लेते हैं, सब कुछ सिंगिंग तो चल करते हैं बट बैक स्टेज भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है दुनिया का। तो बस स्कूल टाइम से हमने भी इंस्पिरेशन ली कि भी जो सीखो पूरा शुरुआत से करो। बाकी वीडियो जैसे पाजी ने बोला कि फ्रेंडशिप वाइब रखनी थी, हमारा शुरू से प्लान ये था कि वो ऑफिशियल काइंड ऑफ लुक नहीं रखना है, एक वीलॉग टाइप रखना चाहिए, एक कैंडिड वीडियो लगना चाहिए और उसी थीम को पेस भी बना रहे। नहीं तो नॉर्मली रिमिक्स आप देखते हो तो क्लब में शूट होते हैं, डार्क लाइट्स में सो डांसर के साथ शूट होते हैं, बट इसका हमने लुक एंड फील रखा रोमांटिक और वाइब पूरी म्यूजिक के साथ रही और वो एडिट में भी खेला, शूट में भी खेला तो अच्छा निकला। प्रोफेशनल आर्टिस्ट साथ में हो तो और अच्छा काम निकलता है। थैंक यू, ऐसे प्यार करते रहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू भाजी अगेन। अरे नहीं यार, तुझे आप बहुत कमाल हो। यही तो सबसे बड़ी मेमोरी है हमारी लड़ाई हुई वहां पर, अनफॉरगेटेबल मेमोरी था। ये वी नेवर थॉट वी वर गोना शूट द सॉन्ग एक्चुअली वहां पे ना यूरोप में सारे स्पेशली माल्टा में गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी वो एसी नहीं लगाते, पता नहीं क्या उनका सिस्टम है। वो ज्यादातर वो फैंस ही लगा के रखते हैं और साइकिलिंग ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसा उनका सिस्टम है। और हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने, तो उस पर जो मेन्यू था ब्रोशर में इतना कुछ खा, मेन्यू कार्ड में बहुत छोटा सा चीज़ लग रही थी, मैं कहा ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो जब एक एक डिश आई वो इतनी इतनी बड़ी होगी, इतनी इतनी बड़ी, तो हम खाने वाले मेरे को दस थे लेकिन वो 50 लोगों का खाना ऑर्डर कर बैठे। फिर मैंने बोला ऊपर से ये वेज है, जब पूरा नॉन वेज आ गया एंड में बताया कि भाई जी मैं चाहिए वेज खाना, तो मैं कहा फिर आप ब्रेड ही खा लो फिर आप जाकर। जी भाई, हाँ जी हाँ जी, वैलेंटाइन बस यही है कि हमने तो वैलेंटाइन ऐसा मनाया कि भाई ज़रूरी नहीं कि आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ही जाना चाहिए, फ्रेंड्स भी इन्जॉय कर सकते हैं। सो वी हैड ए ग्रेट टाइम। हमारा वैलेंटाइन बहुत ही क्या कहते हैं अलग रहा, बिकॉज मैंने लक्ष्मी को लेके गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में, तो मैंने लक्ष्मी को लगा कि उसके बाद मिका बोलेगा चलो भी, बिकॉज जैसे लोगों को लगता है लेट्स गो फॉर पार्टी वाइन दारू, तो मैं कहा यार आपको चलना मेरे साथ, बोलती कहाँ, मैं कहा वैष्णो देवी, बोलते यार सच में आप वैष्णो देवी, मैं हाँ हाँ, तो मैं इनको वैष्णो देवी लेके गया हूँ और हमने वहाँ इतना अच्छे दर्शन करे, आरती हमने अटेंड करी और मैंने मन्नत भी मांगी थी कि जैसे ही हमारा गाना अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम ज़रूर जाएंगे, बट इट्स अ इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक वाइब है वहाँ पे। एंड दिस वाज आवर वैलेंटाइन डे, दिस वाज आवर वैलेंटाइन स्पेशल, वैलेंटाइन स्पेशल। हाँ मैंने इसको बोला था कि यार कहीं स्टोरी वोरी में डाल देना कि हम, और इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक है हर जगह। आई थिंक ये पता नहीं दूसरी बार गए हो आप, कहाँ वैष्णो देवी? सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई, मैं क्या हम चुपचाप जाएंगे क्योंकि अगर एक बार, और मैं मास्क पहन रहा था पूरा, मैंने अपने आप को कवर करा था, तो सारे अभी कहा मैंने बोला देखो अभी तो मास्क में वो पहचान रहे, अगर मैंने कहीं मतलब चार बॉडीगार्ड लेके आऊँगा ऐसे चलूँगा तो उनको पता चल जाएगा। तो बहुत जल्द हम मेरे ख्याल वहाँ पहुँच गए थे, गए हम गए चौपर से थे लेकिन अगेन 45 मिनट का आगे रास्ता था वॉक वाला, वो चढ़ाव इतनी डिफिकल्ट है लेकिन द वे ही वाज वॉकिंग नोबडी कैन चेंज, मतलब ऐसा है कि इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब ऐसे घूम के ऐसे देखो गायब, इट वाज दैट ही इज दैट फास्ट अ वॉकर। तो मेरे हिसाब से हमेशा आपको भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए इस मुकाम पे पहुंच के। आई गेस बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो मेरे से बैठे गाते हैं और गाते थे भी, बट आई एम वेरी लक्की, आई एम वेरी ब्लेस्ड के जितना कुछ मुझे मिला है बहुत ज़्यादा मिला है मेरी उम्मीद से और मेरी सोच से बढ़कर। सो वी शुड थैंक्स ये मैंने को बोला है जब भी मेरा डायलॉग होगा तुम्हें तालियां मारनी है, वरना इनको मैं ब्रेड नहीं दूंगा वो जो चार लोग पीछे बैठे। जी भाई, हाँ यार मैं सोच रहा कब तक, मैं सलमान भाई की वेट कर रहा हूँ कब तक वो उनको फॉलो कर रहे हैं हम, बट जल्दी कर लेंगे आप ये भी, मैं दो तीन महीने में मैं शादी कर रहा हूँ और आप सबको मैं बुलाऊंगा, ये आपको भी नहीं पता क्या दो तीन, क्या ब्रेकिंग न्यूज है दो तीन महीने में दो, हाँ तीन, मतलब अप्रैल के बाद है
फर्स्ट अप्रैल नहीं होगा, फर्स्ट अप्रैल नहीं होगा, मई मई में मैं शादी कर रहा हूँ और आप ये वाला यही मई 2022 नहीं 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 दिस इज नॉट वेरी कन्विंसिंग नहीं सच में कल ही दिलीप जी आए थे मेरे घर पे इनफैक्ट कल दिलीप जी यानी कपिल जी शायद नहीं नहीं शायद नहीं होगा नहीं इतना चलो मई के आगे क्या था जून बर्थडे प्रॉमिस करता हूँ मैं आप सबके सामने मेरी दिस इज अ न्यू बर्थडे से पहले क्योंकि दो दिन पहले हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे हाँ और तभी भी नहीं बताया नहीं कल दिलीप जी आए थे यार कदों ब्याह करना है कदों ब्याह करना है तो वो 1:30-2 बजे रात को आए थे वो तीनों जाने मास्टर सलीम साहब और दिलीप जी एंड कपिल जी तो मैं कह यार मैं बस जून में आपको बुला रखा था तू मैं नहीं दस रहा तेरी जनानी कौन है मैं क्या मैं बता दूंगा बस आपको जून में वेट करना मैं शादी कर रहा हूँ और आप सबके सामने आएगा मैं क्या वाइफ नहीं ढूंढी वाइफ ढूंढूंगा लेकिन जून में करूंगा तो अच्छा ढूंढी नहीं है अभी तक यही तो बात है चट मंगनी पट गया आजकल ऐसे चल रहा है शादी नहीं फिर तो मजनू मजनू जितने लवर्स हो ना वो सारे अनकम्प्लीट रहे वो तो मेरी तो शादी होगी तो कंप्लीट हो जाएगा बहुत तगड़ा झगड़ा है तो बहुत तगड़ा आप सोच भी नहीं सकते अभी तो जितना ये बोल रहे हैं बहुत कम बोल रहे हैं ये शुरू से बहुत इसका मतलब ये नहीं कि शमस भी नहीं ये एक्चुअली ये साउथ इंडियन है ना तो इसका जो इसका गुस्सा पता नहीं चलता इतनी सुंदर है इतनी ब्यूटीफुल जब स्माइल करती है तो मीखा ऐसे कुछ बोलती है तो ये नहीं समझ आता गुस्से में बोल रही है कि प्यार से बोल रही है तो कल भी हम छोटी छोटी बातों से बहुत लड़ रहे थे मैं कह यार जब मेरा म्यूजिक कंपनी की बात आती है तो उसमें ना एक मैं प्रोड्यूसर बन जाता हूँ एज ए फ्रेंड तो पता क्या चाहिए तो छोटी सी बात हो गई कि मेरे को उस फ्लाइट में जाना मैं कह नहीं तुम उस फ्लाइट का ना 5000 फालतू आ रहा है तो मुझे अभी गूगल पे कर बोलते तुम इतना खर्चा करने के बाद 5000 मेरे से मांग रहे हो मैं क्या वो कंपनी का है कंपनी का ध्यान रखना पड़ता है आजकल सर आपका कुछ मैंने वही तो बताया कि वैलेंटाइन हमारा हाँ हाँ ऐसा ख्वाहिश कुछ नहीं है मुझे ये रहता है कि यार जो जो हाँ नहीं ये जरूर है कि जो जो हीरोज हैं जैसे मूवीज आ रही हैं और फटाक से गायब हो रही हैं काश मैं उनके लिए गा पाता तो उनकी मूवीज टिकी रहती तो जो जो हीरो हैं जो मेरी आवाज़ के बिना अधूरे हैं उनको मैं ये मैसेज और चैलेंज करता हूँ कि जब भी मेरा गाना आता है पूरी मूवी सुपर हिट जाती है और टच वुड ये आप लोगों का आशीर्वाद है भगवान के लिए है हाँ तो अब जो जो रह गए उनके लिए भी मैं गा दूंगा एंड पिछले जब हमारा गाना आया आई गेस 6 या 7 तारीख को हमारा गाना आया था ना ये 10 को आया था और 6 को हमारी जो सरस्वती माँ हमारी लता जी का देहांत हुआ था तो 4 दिन फिर मैंने कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं करी बिकॉज पंजाबी में हम चौथा मनाते हैं तो उस तरीके से मैंने उस चीज़ को फॉलो भी करा एंड आई थिंक हमारे देश की सबसे बड़ी शान लता जी ही थे लता जी हैं बिकॉज लेजेंड नेवर डाई और मुझे थोड़ा सा ये जरूर रहा कि बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वहाँ पे जा सकते थे आई डोंट नो क्यों नहीं गए क्या हुआ ऐसा क्या हुआ बिकॉज मेरे हिसाब से वो माइकल जैक्सन से भी बड़ी लेडी थी जब माइकल जैक्सन का हम फ्यूनरल देखते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ इकट्ठी होती है हॉलीवुड की तो इंडिया में भी हम लोग जा सकते थे क्या कारण रहा वही बताएं एंड हमने मतलब जो भी उनको रिस्पेक्ट दी वो गवर्नमेंट के थ्रू मिली अच्छी बिकॉज भारत रत्न अवार्ड उन्होंने दिया था एंड बहुत सारे अवार्ड अनगिनत अवार्ड्स बट हम और ज़्यादा कर सकते थे स्टिल हमारे दिलों में हमेशा वो रहेंगे उनके गाने सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं तो सर मेरे मन में थोड़ा सा ये था मैं बड़ी देर से दबा के बैठता कि ऐसा कुछ होता कि हम सब उनको एक श्रद्धांजलि देते हालांकि बड़े बड़े सुपरस्टार गए हैं बच्चन साहब भी गए हैं शाहरुख भाई भी थे एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी तक वहाँ पर आए हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्री से हम लोग जा सकते थे या उसके बाद कुछ ऐसा एक स्पेशल डे मना सकते हैं या मना सकते हैं अभी भी टाइम है उनका गाना आजकल हम आजकल के जो सिंगर्स हैं इंक्लूडिंग मी हम अपना गाना नहीं गा पाते
लता जी का गाना गाना, तो अगर आपको अपनी बेइज्जती करानी है तो आप लता जी का गाना गाओ, बिकॉज वो सारे गाने में एक लाइन सुनाता हूँ, बहुत मुश्किल गाना है। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन जो संग है उम्र भर का। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ। थैंक यू। थैंक यू जी, एंड थैंक यू सो मच। आप इतना हमेशा जब भी हम आपको बुलाते हैं आप इतने प्यार से आते हैं। थैंक यू पारुल, एंड थैंक यू एवरीवन। हाँ जी एंड यस मेकअप आजी के साथ ऑलवेज काम करना एक फन रहता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और मैं कहूँगा कि जितने भी बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं, उनके साथ सीखने को तो चलो मिलता ही है, और मतलब सीखने को मेन मिलता भी डेडिकेशन, और वो जैसे मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ बट वो सेट पे नहीं फील होता, वो उनको अगर आप बोलो भी 10 बार ये टेक करना है तो वो करते हैं। और प्लस मतलब जैसे कहते हैं ना, जिसका काम वो मेरा काम मुझे करने देते हैं, अपना काम वो अपने तक रखते हैं। और बाकी अगर हम मजनू 2 की बात करें तो इसमें अलग ये था कि हमारा टारगेट ये था कि भी एक टिपिकल वीडियो ना बनाया जाए। जैसे नॉर्मली रिमिक्सेस का क्या होता है, क्लब में चले गए, 100 डांसर ले लिया, फ्लैशी लाइट्स कर दिया, फास्ट कट मार दिया, वो सब कर दिया। तो हमारा था भी एक वीलॉग टाइप बने, एक ट्रैवल स्टोरी काइंड ऑफ बने, जिसमें एक फ्रेंडशिप झलके। ताकि नॉर्मली इन तो लड़का लड़की को हमेशा दिखाया जाता है कि लव एंगल है या लव ट्राइंगल है या सिर्फ डांस डांस हो रहा है, तो कुछ अलग करने की कोशिश करी, एक्सपेरिमेंट था बट अच्छा लगा लोगों को, और वो एक अलग बात है। और लक्ष्मी जी के साथ मेरा फर्स्ट टाइम था, शमा सिकंदर जी के साथ फर्स्ट टाइम काम किया, सुमित भाई के साथ फर्स्ट टाइम था, बट ऑलवेज फन। मतलब कोई फील नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऐसे ही था कि जैसे हम तो पता नहीं कितने टाइम से माल्टा रह रहे हैं, और माल्टा भी एक ऐसी जगह थी, वहाँ की वाइब ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था हम सालों से यहीं रह रहे हैं, अलग ही फील थी, तो बहुत अच्छा रहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी
जो क्रेडिट होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट ही लेते हैं, सिंगर्स हो या हाँ जी और जबकि इतना बड़ा हक रहता है डायरेक्टर का, उसके बताइए कि नहीं। इस कारण में मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखिए जो जनता है ना वो चाहती है स्टार्स को, और जो स्टार्स है ना वो चाहते हैं हमें, तो हमारी वो जो एक आप कह रहे हो ना भी तकलीफ, उसका हल वहाँ हो जाता है कि अभी ठीक है हमें आम जनता नहीं पूछ रही, हम सड़क पे चल रहे हैं कोई हमें नहीं जानता, और जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक भी हमें कोई पहचानता भी नहीं है, कोई रिकग्निशन भी नहीं है। बट जब जो बड़े स्टार्स हमें एक ट्रीट करते हैं फैमिली की तरह, प्लस एक जो रिकग्निशन होता है, तो वहाँ वो कवर अप हो जाता है। और बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने, मतलब मैं एक बात बोलता हूँ कि धरती पे जितने बड़े आर्टिस्ट हैं सबके साथ मैंने काम किया, अमेरिका के बहुत बड़े रैपर हैं टी पेन उनके साथ भी मैंने काम किया, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अभी अच्छा है। और बाकी अभी बॉम्बे आए हैं तो मूवीज़ भी करेंगे। बिल्कुल। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप चूज करते हो कि मुझे कैमरे के पीछे रहना है, तो वो आपका कोई सेकंड थॉट नहीं होता कि मुझे कैमरे के आगे भी आना है। बहुत लोग हैं ऐसे जो कैमरे के आगे भी आते हैं, कैमरे के पीछे भी रहते हैं, बट दे आर वेरी सॉर्टेड। जैसे मैं सॉर्टेड हूँ कि मुझे कैमरे के पीछे रहना है, बिकॉज अगर मैं बचपन की भी बात करूँ अपने, जैसे मैं आज अगर देखता हूँ जब मैं 10 साल 12 साल का था तो कोडैक का वो 300 रुपये का कैमरा आता था वन रील वाला, तो अगर 100 फोटोज़ मेरे घर में हैं तो 90 मैंने खींची हैं, मेरी 10 ही हैं। तो वो शुरू से कैमरे के पीछे वाली स्टोरी, तो कभी ऐसी चाहती नहीं हुई कि हम फेमस हुएँ या इंटरव्यू करें या कुछ, मतलब अपने आप को पब्लिसाइज करें, क्योंकि हमारा मेन है कि अच्छा सिनेमा बनाना, क्रिएटिव करना, उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। थैंक यू। गुड्डू एक कुर्सी लेके, अरे दो मिनट, उसमें तो कुर्सी मजनू टू। देखो एक तो वैलेंटाइंस डे चल रहा था और उससे पहले हमने गाना रिलीज करा ऑन द 10th of Feb, एंड गाना हमने शूट कर रखा, गाना हमने ऑलरेडी शूट किया था माल्टा में, और बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कब गाने को रिलीज़ करें तो ये राइट टाइम था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एंड दो मेरे साथ ब्यूटीफुल हॉटेस्ट एक्टर्स हैं लक्ष्मी राय एंड शमा, और डीजे स्मिथ ने इस गाने को रिमिक्स किया। हाँ, हमने दो रियलिटी शोज़ किए हैं जिनमें से एक बिग बॉस जो सुपरहिट शो है जिसके अंदर सलमान भाई के साथ में मिला भी था और उन्होंने गाने को बहुत अप्रिशिएट करा। इनफैक्ट सभी कंटेस्टेंट ने गाने को गुनगुनाया, सलमान भाई ने खुद गाना गाया। उसके बाद मैं और लक्ष्मी हम गए थे हुनरबाज में जहाँ पे करण जौहर साहब थे एंड प्रनीति चोपड़ा मिथुन चक्रवर्ती, तो हमने बोला कि यार मिथुन जी को लक्ष्मी ने रिक्वेस्ट किया, क्या करा बताओ? मैंने बोला कि आप थोड़ा स्टेज पे आके हमारे साथ डांस करो, तो मिका जी ने भी बुलाया प्लीज़ आप आओगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और आप हमको एक स्टेप बताइए जो हम इस गाने पर नाच सकते हैं। सो उन्होंने अपना स्टेप बताया और वो इतना अच्छा स्टेप था कि हम लोगों ने उसको हुक स्टेप कर दिया। एक्चुअली उनका जो स्टेप था आई एम डिस्को डांसर, हमने उसी स्टेप को चुरा के हमने रील्स के लिए बनाया, हालांकि वीडियो में ऐसा कोई डांस स्टेप है नहीं है, बट रील्स के लिए हमने यही गाना यही स्टेप हमने यूज़ करा। यस बेसिकली ये होता है कि म्यूजिक वीडियो से आदमी फिल्म में काम करता है, यहाँ पे आप एकदम फिल्म में कर चुके हो म्यूजिक वीडियो में, मीडियम का होता है कि व्हाट इट मेक्स यू पार्ट इनके यहाँ पे। मैं तो जवाब, आजकल तो सारे एक्टर वीडियो कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रही थी कि आजकल ये वो ट्रेंड है जो हमने 95 में 98 में देखा था कि हमारे वीडियोस में एक्टर एक्ट्रेसेस आते थे, अभी उल्टा हो गया, अभी जितने एक्टर्स हैं चेंज हो गया। यस अभी पूरा एक जनरेशन चेंज हो गया, एवरीबॉडी इज ओपन टू डू एवरीथिंग, स्पेशली म्यूजिक वीडियोस आर यू नो हाई ऑन डिमांड आजकल, एंड इट्स क्विक वे, एंड बहुत सारा ऑप्शंस है हमको डिस्कवर करने, और यू नो एंड लॉट ऑफ सॉन्ग्स अभी आप जितने भी सिंगल्स देख रहे हो सारे हिट हो रहे हैं, एंड इट इज ऑल सर्कुलेटिंग इन ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर स्टेट में, चाहे वो हिंदी हो पंजाबी हो, इट्स एवरीवेयर पीपल आर लिसनिंग टू यू, इतना हाई रीच है कि एवरीबॉडी वांट्स टू डू। अक्षय परी को देख लो, दो गानों में आए हैं वो, और ये ट्रेंड पहले था 98 में ऐसा होता था, मेरे गाने में गुलशन ग्रोवर साहब थे एंड दिलीप जी के गाने में प्रियंका चोपड़ा थी, अब वापस वो अच्छा टाइम आया पॉप म्यूजिक का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वापस पॉप कल्चर वापस आ रहा है, एंड बॉलीवुड भी जुड़ गया साथ में।
नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ बिल्कुल। जब आप सीरियस होते हो तो मजाक बोलते हो। तो आपका चॉइस है, आपकी शादी है। हाँ। आजकल का दौर जो है ये बैचलर जेट का जमाना है। हाँ हाँ। अभी हाल ही में तुषार कपूर ने बुक निकाला पेरेंटिंग को लेकर, उनकी भी शादी नहीं हुई है, सरोगेट बेबी है। हाँ जी, नहीं आपको बच्चों से कितना लगाव है ये बताइए। नहीं, मुझे बहुत प्यार है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सही ढंग से ही शादी करूंगा एंड बच्चे भी करूंगा। और क्यों इस तरह हमने देखा ही नहीं आज। अरे तो मैं 12 साल से जानती हूँ, कभी इतना प्यार से मैं बच्चा, मतलब मैं बच्चा जरूर करूंगा। बिल्कुल करेंगे, व्हाई नॉट, मैं करूंगा जरूर। पर आपको लगता है डैड बनना इतना आसान है, मतलब अकेले? यार मैं अभी लाइक मैं बहुत इजी है डैड बनना, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतने बच्चे पाल रहा हूँ एंड एक एनजीओ रन कर रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी 7000 अंडर प्रिविलेज गर्ल्स जो भी, वो भी मेरे बच्चे की तरह ही हैं और उनको हमने पढ़ाया लिखाया है एंड आई एम श्योर के इट्स नॉट डैट डिफिकल्ट, बिकॉज हमारी माँ हमारे बाप ने भी हमें पाला ही है। हम तो 8 भाई बहन थे, कितनी मुश्किलों से उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी, यू कैन बी अ डैड, गुड डैड। I wish him all the best. That's all I can just congratulate him and give my wishes. Yeah. Yes, margin. No controversies. Thank you, sir.